नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ई एजुकेशन पत्रिका में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे जो SSC MTS का एग्ज़ाम हुआ था टायर वन का, उसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसका जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है, और इसके गुड अटैम्प्ट्स कितने हो सकते हैं, टोटल कितनी पोस्ट है, कितने आवेदन आए थे, कब से कब तक एग्ज़ाम था, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या चाहिए, इसके अंदर कैंडिडेट्स की उपस्थिति कितनी रही थी, और सारा का सारा एनालिसिस करके हमने जो कट ऑफ तैयार की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, पीछे के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे इसके SSC MTS के पिछले ईयर्स के अंदर, उनको एनालिसिस करके ये कट ऑफ तैयार की गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएँ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो टोटल पोस्ट थी इसके अंदर SSC MTS एग्ज़ाम 2023 के अंदर वो थी 12523। इसके जो एग्ज़ाम हुए थे 2 मई से लेके 19 मई को हुआ था, ये पहले फेज़ के अंदर हुए थे, और दूसरा फेज़ है जो 13 जून से लेके 20 जून तक हुआ था। इसके अंदर जो टोटल कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिया था उनकी उपस्थिति रही थी वो 55 से 60% उपस्थिति रही थी। इसके अंदर जो टोटल एप्लीकेशन हुए थे एग्ज़ाम के लिए वो 54 लाख एप्लीकेशंस आए थे, मतलब 54 लैक्स, और इसके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसके बारे में देखें तो जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30% मिनिमम मार्क्स, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 25% मार्क्स, और SC ST के लिए 20% मिनिमम मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ई एजुकेशन पत्रिका ये हमारा चैनल है। अब बात करते हैं जो SSC MTS का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है 2023 का, पेपर वन और टू का। जो SSC MTS एग्ज़ाम पैटर्न 2023 पेपर वन है उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सेशन वन के अंदर है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी जो है उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के 20 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के 45 मिनट्स के अंदर, टोटल 40 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के। और SSC MTS एग्ज़ाम पैटर्न सेशन टू के लिए जो जनरल अवेयरनेस है वो 25 क्वेश्चंस हैं 75 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 3 नंबर का है, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का जो है वो 25 क्वेश्चंस है 75 मार्क्स के, टोटल 50 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स के होंगे 45 मिनट्स के, टोटल मिला के देखें तो 90 क्वेश्चंस होंगे, और जो टोटल मार्क्स है वो होगा 270। तो फ्रेंड्स, ये इसका एग्ज़ाम का पैटर्न था। अब जो बात करते हैं जो गुड अटेम्प्ट्स है उसकी, पेपर का हार्डनेस और कितना रहा था, कितना सॉल्व किया कैंडिडेट्स ने, उसके हिसाब से गुड अटेम्प्ट्स अगर देखें तो 10 to 11 क्वेश्चंस मैथ्स के, और 11 to 12 क्वेश्चंस रीजनिंग के, और 17 से 18 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 15 से 16 क्वेश्चन GK के, ये गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। एक्सेप्टेड कट ऑफ हम तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स, और इसका जो सेफ स्कोर है फ्रेंड्स, 12 से 13 क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर सेफ स्कोर माना जा रहा है, और 13 से 14 क्वेश्चंस वो है रीजनिंग के, 19 से 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के, और 17 से 18 क्वेश्चंस GK के सेफ स्कोर माना जा रहा है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कैटेगरी जो वाइज SSC MTS टायर वन की एक्सेप्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में। तो इसके अंदर देखा जाए तो जो कट ऑफ क्वेश्चंस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40 से 42 रह सकती है, OBC के लिए 38 से 40 क्वेश्चंस रह सकती है, EWS के लिए 36 से 38, SC के लिए 33 से 35, और ST के लिए 31 से 33 क्वेश्चंस कट ऑफ रह सकती है। अब अगर मार्क्स की बात करें तो 120 से 124 नंबर्स जो जनरल कैंडिडेट्स के अंदर है उनके आने माना जाएगा कि ये सेफ स्कोर है। OBC के लिए बात करें तो 116 से 120 क्वेश्चंस सेफ माने गए हैं, EWS कैंडिडेट्स के लिए 112 से 116, SC के लिए 99 से
105 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 93 से 99 मार्क्स सेफ माना गया है। फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे से जुड़े रहें। जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ आएगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे ये सूचना, और हम मंथली करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वीडियो के थ्रू। आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।